सेंटर हिला मत राजा ये फिल्म की स्टोरी शायद बहुत डिफरेंट ना लगे आपको, बट स्टोरी का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। आपको वो जो पुराने ज़माने का एक रोमांस होता था ना, जहाँ एक दूसरे से बिना मिले सिर्फ बात करके, वो जो रोमांस वाला फीलिंग है ना, वो ज़्यादा है। मैं शेफाली जी की डॉटर प्ले कर रही हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी में प्यार शायद एक ही बार मिलता है, पर कुछ लोगों को प्यार एक बार भी नसीब नहीं होता है, मतलब जब प्यार होने का टाइम होता है तो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो क्या बस उन्हें आगे और लाइफ में प्यार नहीं मिलेगा? तो यही है हमारी स्टोरी की, अगर आपके शादी वाले एज में अगर आपको प्यार ना मिले हो या कुछ आपके साथ हादसा हो गया हो, आप फ्यूचर में भी प्यार कर सकते हैं। यू कैन फॉल इन लव वंस अगेन, यही है स्टोरी की प्रीमाइस। बहुत अच्छा लगा, शेफाली जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, और उनके साथ काम करना मतलब हमेशा आपको मतलब डर बना रहता है कि क्या कुछ अलग कर देंगी और आपको मतलब आप फीकी लगने लगेंगे, तो केयरफुल रहना पड़ता है। एक ऐसा सीन है कि वहाँ मतलब अचानक वो रोने लगती है और मुझे बहुत टेंशन था कि मैं उनके सामने कैसे रोऊंगी, मैं वो बिना ग्लिसरीन के रो पड़ती है, तो मुझे मतलब 5 सेकंड में वो आंसू निकाल देगी, आप किसी भी आंख में बोलो, तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ा और मुझे 1 घंटे से उस जोन में जाना पड़ा कि वो जब रोएंगी तो मैं रोऊंगी, ये सब इतना प्लान करके मुझे एक्टिंग करना पड़ता था, सतर्क रहना पड़ता था बहुत। ये एक कॉटन साड़ी है, ब्लाउज का डिज़ाइन मैंने ही किया है, गर्मी है, गर्मी बॉम्बे में गर्मी ज़्यादा होता है, इसलिए फैन जैसा आए हैं, और ये कॉटन साड़ी है, सिंपल प्लेन कॉटन साड़ी है, थोड़ा सा स्टाइल करके मैंने पहन लिया, दैट्स इट। थैंक यू। मैम इधर Once again, no? I don't know how.
सर इधर राइट में सर राइट में ओके नीरज जी और एक हमें सामान लेंगे उनका एक बार निकालने वाले हैं आप इस तरह से आपकी ये तो आप फिल्म देखकर देखिएगा, लेकिन हाँ ये अलग किस्म की फिल्म है। ये मेरे लिए पहली बार मैं एक रोमांटिक फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक नई चीज़ है ये बिल्कुल। तो वेब सीरीज़ तो अलग था, वो परुलकर का रोल था, वो डीसीपी परुलकर, ये बहुत ही अलग है। बहुत बढ़िया शिफाली तो इतनी अच्छी परफॉर्मर है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है वो। और एक लव स्टोरी करना, ये अलग लव स्टोरी है, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ यंग लव स्टोरी, ये एक मिडिल एज रोमांस है। तो इसकी कहानी अलग है और जिस तरीके से इसको फिल्माया गया, दर्शाया गया, वो भी अलग है। तो आप देखिए इसे। जी ट्विस्ट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये अलग किस्म के लव स्टोरीज होते हैं। जैसे बहुत पहले आपने देखा होगा इजाज़त नाम की एक फिल्म आई थी, उससे पहले आंधी वगैरह, ये सब मिडिल एज लव स्टोरीज हैं। सो ये अलग किस्म का एक लव स्टोरी उसी प्रकार का है ये। मैं हार्डकोर रोमांटिक हूँ, तो एक लव स्टोरी करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने स्टोरी की वन लाइन सुनी तो मैं ना नहीं कह पाई, तुरंत हाँ कह दिया। और जो कहानी है बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सी कहानी, बहुत ही नाजुक तरीके से बनाई गई, आज के तरीके से फास्ट फॉरवर्ड रोमांस नहीं है। इनफैक्ट इट्स वेरी पोएटिक, इट्स वेरी लिरिकल, इट्स वेरी ओल्ड वर्ल्ड। सो या दैट इज़ द फिल्म। Well, I am 42.
44 एक्चुअली. सो आई थिंक इट्स आई मीन डिफरेंट, मतलब जो मुझे नेचुरली आया वो मैंने किया है. और अब आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा आपको कैसी लगती है. नीरज और मेरा वर्किंग स्टाइल बहुत बहुत अलग है. तो वो बहुत मेथोडिकल हैं, मेथड एक्टिंग, वो ड्रामेटिक सिखाते हैं, बहुत ही रेजिमेंटेड हैं, पर्टिकुलर हैं. जबकि मैं बहुत कॉन्ट्रास्ट हूँ, इम्पल्सिव हूँ, इंस्टिंक्टिव हूँ. कैरेक्टर पर काम करती हूँ लेकिन सीन पर आई डोंट रिहर्स टू मच. सो एज अ कॉम्बिनेशन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और तारा और अमर भी बहुत अलग हैं एक दूसरे से. दे हैव अ देर इट्स लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यू नो. सो उसकी वजह से जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. द फैक्ट दैट दे केयर फॉर मी, द फैक्ट दैट वो लोग मेरे लिए केयर करते हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो आए वही बड़ी बात है. कुछ कहीं ना कहीं यही प्रूफ करता है कि वो यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर. Thank you.